तक देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाशदीप 2.0। तो जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया, चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना ना भूले। दरअसल आज मैं बात करने वाला हूँ एजाज खान के बारे में, जिनकी हाल ही में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी और वो एलविश यादव के लिए कुछ कहते नजर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे मैंने कैरी मिनाटी से माफ़ी मंगवाई है, ऐसे ही मैं एलविश यादव और कटारिया से माफ़ी मंगवाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बेटा तुझे करियर बनाने के लिए मुंबई तो आना ही पड़ेगा, जिसमें एलविश यादव ने काफ़ी सॉलिड रिप्लाई करा है एजाज खान को। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए एक बार इस वीडियो पर नजर डालते हैं। राम राम भाई सभी लोगों को, जितने मेरे भाई देख रहे हैं इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ, एजाज भाई की नगरी में। उन्होंने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारी से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे, दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे और कहां पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे, हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे। भाई पकड़ ले भाई, पकड़ लो, बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ये शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था, जो बोल रहे थे ना कुत्ते और शेर वाली बात, या फिर घर पे आया था शेर, वो मैच नहीं करता ज्यादा, क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है, तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे आधे दो पैर सलाखों के पीछे है, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ, हिसाब से रहो। और भाई जिसको नहीं पता, जिसको थोड़ा सा जो क्लियर नहीं है आइडिया कि भाई हम ये क्या वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे एजाज भाई ने भाई बहुत क्लियरली ये धमकी समझ लो, धमकी दी थी एक तरीके से कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहां नजर आ गए वो कर दूंगा, यूट्यूबरों के साथ वो कर दूंगा, इंस्टा पे लोकेशन हम डालते हैं, ब्लॉग में लोकेशन हम डालते हैं, हर जगह लोकेशन हम डालते हैं, भाई को कॉन्टेक्ट भी कर ले, कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के बन के रह गए कि इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली, चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो जाओ। इनका कुछ नहीं है, अटेंशन लेनी है, फिर अपने दो चार चेले चपाटों के लिए वोट मांगनी है, इतनी इनकी औकात है। इतने साल से तुम जानते हैं सब तुम्हें कि तुम कुछ हो ही नहीं, ठीक है, अपने हिसाब से रहना शुरू करो, लोगों को बांटना, लोगों को प्रवोक करना छोड़ दो, उस लायक बनो कि तुम्हारे ऊपर कोई रील बनाए, ये हमारी आखिरी है, इसके बाद हम नहीं बनाने वाले कुछ। पैसा लगते हैं भाई रील बनाने के, मेरे वाले अकाउंट में डालने, माँ कसम मैं तो ये फ्री फंड में डाल रहा हूँ उसके ऊपर, कितना नाम मिल गया इसे भाई, तुम्हारा करियर है तुम्हें चलाना है, तुम यार मेहनत करो ना भाई, किसी को गाली गलौज करके तुम्हें क्या मिल रहा है बताओ, कुछ मिल रहा है, ऐसी वीडियो मिल रही है भाई, साबुन मिलेगा और साबुन मिलेगा और वो गिर जाएगा, कितनी बारी जेल में गिरा होगा सबको पता ही होगा, मार जैसा कोई पीछा आ जाओ, अब छोड़ो इसे मरण दो भाई, ये लास्ट वीडियो हमारी इसके ऊपर नहीं आई, इसके बाद कुछ भी हमारी तरफ से खत्म, मैसेज कर लेना भाई साहब आपकी जगह पे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डन, सी यू। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं एजाज खान के बारे में, और आप लोग किसको सपोर्ट करना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं, कि आप एलविश यादव को सपोर्ट करना चाहते हैं या एजाज खान को, कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।